जी देखो, दिए तो बिल्कुल भट्टी में लाल हो गए। दिवाली के ये मिट्टी के दिए आग में तपने के बाद भट्टी में बिल्कुल लाल हो गए, लाल हो गए बिल्कुल। बहुत अच्छी कीमत मिलेगी इनकी। बहन सोनिया जी, कीमत तो अच्छी मिलना चाहिए, मेहनत भी तो दिन रात कर रहे हैं मैं और राहुल। हम दोनों का चाक लगातार चल रहा है और मिट्टी के दिए बना रहे हैं। आप इस आग की भट्टी में दियों को रख के कच्ची मिट्टी के दियों को तपा के लाल कर रही हो, अब ये बिकेंगे बाजार में जाके? मोदी जी, मैंने और आपने मिलके दिवाली के मौके पे मिट्टी के दिए बनाने का निर्माण पार्टनरशिप में शुरू किया है, क्योंकि दिवाली का मौका है, दिए काफी ज्यादा बिकेंगे, इसीलिए मैं अकेले दिए इतना बना नहीं पाता। आपके साथ पार्टनरशिप में दिए बना रहा हूँ, दियों का निर्माण कर रहा हूँ, और मम्मी जी आग में भट्टी में दियों को तपा के लाल कर रही हैं। अब इन दियों को बेचने के लिए शहर ले जाएंगे अपना लोग। लेकिन राहुल, शहर ले जाने की क्या जरूरत है, यहीं पे ये तुम्हारे दिए बिक जाएंगे दिवाली के गांव में ही। ये देखो, अखिलेश और योगी जी दिवाली के दिए लेने के लिए आ गए। मोदी जी, ये दिवाली के दिए क्या रेट दिए? योगी जी, आपको कोई महंगा रेट थोड़ी बताऊंगा, 10 रुपए के 10 दिए, 1 रुपए का 1 दिया है मैंने, ले लो। राहुल, बताया नहीं आपने दिवाली के दिए क्या रेट दिए, मैं भी दिए लेना चाहता हूँ। अरे अखिलेश, अभी मोदी जी ने रेट बताया नहीं, 10 रुपए के 10 दिए बेच रहे हैं हम लोग। अच्छा, दोनों लोग साथ में दिए बेच रहे हो, मैं तो समझा अलग अलग बेच रहे हो। कुछ दाम कम लगाओ तभी मैं दिए ये खरीदूंगा आपसे। चलो आप ऐसा करना, 10 दियों के 8 रुपए दे देना। मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप में इसीलिए दिए नहीं बेचना चाहता था, अब तुमने 8 रुपए के 10 दिए बोल दिए अखिलेश को, जबकि मैं 10 रुपए के 10 दिए बेचना चाहता था। तो मोदी जी, आप भी रेट कम कर दो, बताओ क्या रेट लगेंगे दिए, मुझे कुछ कम रेट तो करो। योगी जी, मैं आपको 10 दिए 5 रुपए में दे दूंगा, ले लो। मोदी जी, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, आपने 10 दियों का रेट 5 रुपए बता दिया योगी जी को, इस तरीके से तो बेचने में दियो में घाटा हो जाएगा। राहुल, तुमने भी तो अभी अखिलेश को 10 दियों का रेट 8 रुपए बता दिया, और दिए बनाते टाइम अपना लोगों ने शर्त रखी थी एक ही रेट में दिए बेचेंगे। अरे मोदी जी, राहुल बेफालतू की बात तो करो मत, एक रेट में दिए बेचो, 10 रुपए के 10 दिए बेचो, चाहे कोई ले या ना ले, नहीं तो ये पार्टनरशिप चल नहीं पाएगी, आप लोगों की टूट जाएगी। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे लालू जी, हमारे पीछे पीछे तुम आपकी टोकरी लेके आ जाते हो, इसीलिए हमारा आम नहीं बिकता है। अरे तुम मेरे पीछे क्यों आते हो, तुम्हें कौन बुलाता है? ऐसा किया करो आप कि हमारे पीछे मत आया करो, नहीं तो मैं कल से तुम्हारे आम की टोकरी बिखरा दूंगा, मैं पक्का बता रहा हूँ। बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोग पीछे पीछे आते क्यों, इसीलिए हमारा आम नहीं बिकता है, तुम्हारा बिक जाता है। तुम कल से लालू मेरे पीछे मत आना, मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारा आम पलट करके मैं फोड़ दूंगा सारे आम, पहले बता रहा हूँ। कल से दिखाई मत दे जाना, ठीक है? मेरे पीछे पीछे तुम क्यों लग जाते हो, पता नहीं क्यों ऐसा करते हो। अरे वाह मोदी जी, तुम बहुत भड़क रहे हो हमारे ऊपर, ऐसा तुम करते हो कि लगता है कि हम तुम्हारा आम मैं खा जाता हूँ। अरे भाई, जब मैं जंगल से निकलता हूँ तो बीच रास्ते में तुम भी मिल जाते हो, तो मैं क्या कर डालूँ। अभी देखो मेरे पीछे यहाँ पे राहुल और यहाँ पे योगी जी और अखिलेश भी आ रहे हैं, तो हम, अरे तुम बताओ कि योगी जी तुम हमारे पीछे क्यों आते रहते हो? इसीलिए हमें लगता है कि मोदी जी गुस्सा होते हैं, अगर हम दो लोग तो गुस्सा नहीं होंगे मोदी जी। तुम लोग भाई पीछे पीछे आ जाते हो, इसीलिए नुकसान हो जाता है। अरे तुम ऐसा लोग ऐसा करो, तुम अलग अलग रास्ते पे जाया करो, हमारे पीछे से कल मत आना, नहीं लड़ाई हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। 4 बातें हमको सुननी पड़ जाती है। अरे 4 बातें तुम्हें सुननी पड़ जाती तो बड़ी अच्छी बात है, तुम सुनते रहो, तुम सुनने लायक हो भी, तुम भी तो पीछे पीछे मोदी जी के आ जाते हो। मैं तो उनके पीछे नहीं खड़ा हूँ, तो हमको क्या दिक्कत है, हम तो राहुल के पीछे खड़े हैं, तुम तो मोदी जी के पीछे पीछे लगे रहते हो, इसीलिए उनका आम बिकता नहीं है, इसीलिए उनका आम सारा रखा रह जाता है। तुम बहुत ही, तुम भी तो बोलते रहते हो राहुल के कि हमारे साथ पीछे पीछे लगे रहो, इसीलिए तो राहुल लगा रहता है तुम्हारे पीछे। बहुत बढ़िया बात है, तुम्हारा क्लास लगनी भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तुम भी दो लोगों को साथ लेकर चलते हो, मैं तो जानता नहीं भैया, मैं तो अलग रास्ते में जाता रहता हूँ, हमें तो मोदी जी कुछ नहीं कहते हैं, हम तुम्हारे पीछे पीछे रहेंगे, तुम्हारा आम भी नहीं बिकने देंगे। अखिलेश, तुम ऐसा करो भाई, इनके साथ चलो कैसे भी करके। भाई लोग, वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और तुम चिंता क्यों करती हो, जो ऊपर वाले को मंजूर होता है वही होता है। जब इतनी तेज आंधी आ गई तो अपने हाथ में क्या बचा था ये बताओ, इस तेज आंधी और तूफान में अपने आम के पेड़ों से सारे कच्चे आम टूट कर गिर गए। अरे मोदी जी, चिंता इस बात की नहीं है कि अपने आम के पेड़ों पे से ये कच्चे आम तूफान आंधी में टूट कर गिर गए, चिंता तो इस बात की है अभी ये इतने कच्चे आम बिकेंगे कैसे, कैसे करके बिकेंगे। आज 4 दिन होने को जा
लेकिन मोदी जी आपको मेरा तो ध्यान है, आज मुझे मंडी में आए हुए 4 दिन हो गए, 4 दिन की दिहाड़ी ले लूंगा मैं। राहुल क्या करे, अखिलेश को इसके घर भेज दे। मैं अखिलेश को इसलिए मंडी में लाया था, मैंने सोचा था एक ही दिन में ये आम बिक जाएंगे और आम बेचकर अपना लोग घर चले आएंगे, अपने ऊपर ज्यादा मेहनत भी नहीं पड़ेगी, अखिलेश को 1 दिन की दिहाड़ी दे देंगे। लेकिन आज 4 दिन होने को जा रहे हैं, आम बिक ही नहीं रहे, खाली बैठा के अखिलेश को कितने दिन खिलाया जाए, इसे घर भेज देते। अरे कोई व्यापारी आ रहा है। अरे भाई साहब आम तो बहुत बढ़िया है, आपके आम क्या रेट दे रहे हो, काफी बड़े बड़े आम है, लेकिन काफी आम है, आम का रेट बताओ, सारे के सारे आम खरीद लूंगा। सेठ जी सारे के सारे आम खरीद लोगे तो आप अपना ही रेट बता दो, आप जो भी रेट बोलोगे उस रेट में मैं सारे आम भेज दूंगा। तो ऐसा करो 15 रुपए किलो के हिसाब से सारे के सारे आम मुझे तोल दो। अरे सेठ जी आप आम का रेट कुछ ज्यादा ही कम लगा रहे हो, फुटकर का भाव लगा रहे हो। अरे थोक का रेट लगाओ, थोक का 20 रुपए किलो ले लो। राहुल एक व्यापारी और आ गया। अरे भाई साहब आम क्या रेट बेच रहे हो, आम का रेट बताना। अरे मोदी जी आज तो आम खरीदने के लिए काफी व्यापारी आ रहे हैं, रेट ज्यादा बताना। राहुल ज्यादा ही बताऊंगा, ज्यादा ही बताऊंगा। हाँ सेठ जी आम मैं 50 रुपए किलो बेच रहा हूँ, ले लो सारे के सारे आम। अरे भाई साहब कुछ सस्ते लगा लो, 40 रुपए किलो में सारे के सारे आम दे दो। कोई बात नहीं सेठ जी, 10 रुपए की गुंजाइश आपको कर देता हूँ, 40 रुपए किलो के हिसाब से सारे के सारे आम आपके हुए। भाई साहब ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, आपने मुझसे 20 रुपए का भाव बोल दिया था, जब आप मुझसे सौदाबाजी कर रहे थे तो आप दूसरे व्यापारी से बात क्यों करने लगे। करूंगा नहीं दूसरे व्यापारी से बात, जब इतने कम रेट लगाओगे तुम सेठ जी तो मैं कैसे करके इतने सस्ते आम आपको बेच दूंगा। तुम ये आम मुझे को बेचते और बेचकर बच भी रहे थे अगर ये दूसरे व्यापारी यहाँ नहीं आते। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे योगी जी कल तो तुमने धमाल कर दिया, जम के होली खेली है, तुम्हारे हाथ पैर गुलाल से अभी तक लाल है। अरे मोदी जी होली का वक्त चल रहा है तो होली तो खेली जाएगी, आप अपने चूल्हे को देखो जिस पर आपका दूध खोल रहा है, उस पर भी तो गुलाल पड़ा हुआ है, देखो। आप भी मोदी जी गजब करते हो, दुकान तुरंत बंद करके होली खेलने लगती हो और फिर शाम को दुकान खोल लेती हो दूध की। आपका गरम गरम मलाई वाला दूध दूर दूर से लोग पीने के लिए आते हैं। अरे मोदी जी दूध खोल गया, कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा हो गया मुझे बैठे बैठे, तुम यही कह रहे हो कि अभी खोल रहा है, अभी खोल रहा है, खोल गया दूध तुम्हारा, आ गया उफान दूध में। अरे लालू जी अभी कढ़ाई में ऊपर दूध पर मलाई नहीं आई है, मलाई तो आने दो, बिना मलाई का दूध तुम पीते नहीं हो। वो तो है मोदी जी, बिना मलाई का दूध हम नहीं पीते, इतना कह देते हैं तुमसे, मलाई आ जाना चाहिए तुम्हारे दूध पर, लेकिन मलाई अभी तक आई क्यों नहीं, बड़ा जल्दी मलाई आ जाती थी आपके दूध पर। ये लालू जी मुझसे क्या पूछ रहे हो, तुम्हारे बराबर में अखिलेश कहाँ है इससे पूछो, यही दूध देता है मुझे, पहले केजरीवाल दूध देते थे, केजरीवाल की भैंस का दूध बहुत अच्छा होता था, तुरंत कढ़ाई में डालते ही दूध को और हल्का सा आंच लगाते ही मलाई आ जाती थी दूध पर, लेकिन जब से इस अखिलेश से दूध लेना शुरू किया है, इसके दूध को कितना ही खौलाते रहो चूल्हे पर मलाई आती ही नहीं है। तो मोदी जी आपको क्या लगता है, आप सीधे सीधे ये कहना चाह रहे हो कि मैं पानी मिलाता हूँ। मैंने तो अखिलेश अभी बिल्कुल नहीं कहा, ये तो तुम अपने आप कह रहे हो कि मैं पानी मिलाता हूँ। अच्छा अखिलेश तुम ही बताओ तुम्हारे दूध में मलाई क्यों नहीं आती है, कितना ही खौला लो दूध को तो भी। देखो मोदी जी मुझे पता नहीं है मेरे दूध में मलाई क्यों नहीं आ रही है, आप कितना भी खौला रहे हो फिर भी, मैं बस आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आप दूध लेना चाहते हो मुझसे ले लो, नहीं तो केजरीवाल जी से ले लो। भाई साहब मोदी जी अखिलेश बिल्कुल सही कह रहा है, तुम मुझसे दूध लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं लेना चाहते हो तो केजरीवाल जी से ले लो। अरे राहुल केजरीवाल जी से दूध ले तो लो, केजरीवाल जी दूध 50 रुपए लीटर देते हैं और अखिलेश मुझे 10 रुपए लीटर दे रहा है दूध, यही बात है मोदी जी, इसीलिए मलाई नहीं आ रही है आपके दूध पर, आप 10 रुपए लीटर वाला दूध ले रहे हो। और भाई लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।